हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नो गिफ्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो सिम है, जो आपका फोन नंबर है, वो 31 मार्च 2018 के बाद परमानेंटली डीएक्टिवेट या बंद कर दिया जाएगा और फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब इसमें आपको आधार कार्ड कैसे वेरीफाई कराना है मैं आपको बताऊँगा। ये रहा मेरा आधार कार्ड और ये है मेरा मोबाइल नंबर इस फोन के अंदर, और मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपको अपने घर बैठे कैसे अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस को। चलिए दोस्तों, आगे की प्रोसेस को मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। जिस भी नंबर को आपको अपना लिंक करना है आधार से, वो फ़ोन आप अपने हाथ में रख और उसी से डायल करें 14546। ठीक है, जब डायल करेंगे तो आगे की प्रोसेस मैं आपको हैंड फ्री करके बता देता हूँ। आइडिया की रीवेरिफिकेशन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। फॉर इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो एक दबाएं। अन्यथा मोबाइल नंबर रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कृपया अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने साथ रखें। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाएगा। मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए सहमति देता या देती हूँ और इसे आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत UIDAI के माध्यम से जनसंख्या के प्रमाणीकरण के लिए मेरी सहमति माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए एक दबाएं। कृपया अपने 12 अंक का आधार कार्ड नंबर एंटर करें। अब मैं अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर इसमें एंटर कर दिया। मैं इस मोबाइल नंबर का मौजूदा उपभोक्ता हूँ। 9 9 1 7 5 7 7 मोबाइल नंबर का सिम कार्ड मेरे पास है। आधार OTP को शेयर करके मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराने के लिए UIDAI से अपना नाम, जन्मतिथि, पता, लिंग, फोटो के लिए अपनी सहमति देता या देती हूँ। एंटर किए गए OTP को मेरा सही यानी सिग्नेचर माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए एक दबाएं। कृपया OTP नंबर एंटर करें जो आपको आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरा जो दूसरा फोन है इस पे OTP आ गया है। मैं इसको इसमें एंटर कर देता हूँ। क्षमा करें, हमें आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह है OTP। आपके नंबर पर री वेरिफिकेशन प्रोसेस सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। 24 घंटे बाद आपके नंबर पर री वेरिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए एक SMS आएगा। कृपया री वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए SMS का जवाब दिन के 3 घंटे में दें। यदि आप अपना ऑल्टरनेट नंबर हमारे पास अपडेट कराना चाहते हो तो एक दबाएं। एग्जिट करने के लिए 2 दबाएं। आईडिया की री वेरिफिकेशन हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, ये थी आधार कार्ड को वेरीफाई कराने की पूरी प्रोसेस, अपने आधार कार्ड को अपने सिम से लिंक करने की पूरी प्रोसेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।